दिका उठ जा मेरे बेटा, उठ जा, रोजा रखना है। हाँ हाँ नहीं रखना रोजा मानू, रात नहीं रखना रोजा, रोजा रखना तो फिर उठ जाओ, उठ जाओ मेरा बेटा। चलो उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ मेरा बेटा, उठ जाओ। अस्सलामुअलैकुम जी बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्लाह का। तो जी आज जी माशाल्लाह रमज़ान अल मुबारक आ गए और रोज़ा भी है आज, तो इसलिए रात को भी हमें देर से पता चला है यहाँ पे आके 11 बजे अपनी ज़बान में 11 बजे पता चला है। तो हमने माशाल्लाह तरावी भी पढ़ी है, नमाज भी पढ़ी है रात को 11 बजे, तो आज माशाल्लाह रोज़ा भी यहाँ पे रख रहे हैं। तो आप सबको भी रमज़ान अल मुबारक आप सबको मुबारक हो। मेरे ख्याल में भाभी ने भी रोटी बना ली है और मुझे लेट उठाया, क्योंकि रात को हम बहुत लेट से ही सोए थे, यानी कि 1:30 के करीब सोए थे। तो भाभी ने भी रोटी बना ली है, शायद चल के देखती हूँ भाभी रोटी बना चुकी हैं। और बच्चों को भी उठाना है अभी। हदीका तो कह रहे थे मैंने नहीं रखना रोज़ा, क्योंकि नहीं, हदीका आ गई है, हदीका आ गई है, रखना है ना आपने रोज़ा। हदीका आ गई है, चलो। नहीं हम लोग ने ज़रा देर से उठाया क्योंकि ये लोग ना काफ़ी देर से सोए थे, फिर अचानक वो हम लोग तो इधर आ गए थे मिलने के लिए, भाभी ने बुला लिया था कि हमारे घर पे आ जाओ, फिर हम लोग आ गए इनके घर पे। और यहाँ पर आने के बाद रात को वो देर तक गप्पे शप्पे लगाते रहे, तो रात को जी हम लोग असल में रात को देर तक जागते रहे। रात को देर तक जागने की वजह ये थी कि इन लोगों ने बुला लिया था कि छुट्टी है, तो गप्पे शप्पे लगाते रहे। हमें क्या पता था कि अचानक रात को 11 बजे ऐलान कर देंगे कि भाई सुबह को रोज़ा है। ग्यारह बजे ऐलान किया कि जी सुबह रोज़ा है। फिर उस वक्त कुछ बच्चे तो सो गए थे, 11 बजे तक हम लोग वैसे जाग रहे थे, उसके बाद नींद ही, बच्चों ने तरावी वगैरह पढ़ी सब ने, और बस वही जागते जागते यूँ समझ लें मैं तो अभी तक सोया ही नहीं हूँ, मैं अभी तक नहीं सोया, उसी वक्त का जाग रहा हूँ। और भाभी सो गई थी अभी तकरीबन 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले उनको उठाया है और खाना वाना बना रही हैं। और इस तरफ जी बन रहा है जी खाना हमारा, रोटियां वोटियां पक रही हैं, मेरे ख्याल में 2-3 रोटियां पक भी गई हैं, 2 पकी हैं पत्नी, हाँ 2-3 रोटियां पक भी चुकी हैं जी। और असल में ना आज हमारे साथ ना वो हो गया, क्या कहते हैं कि अचानक ही हमारे साथ वो अचानक पता चला, इसलिए दही वगैरह कोई कोई सालन वगैरह भी ज्यादा नहीं बनाया था रात को, नहीं पकाया था, तो बस वो जो कुछ भी होगा हाँ, हम लोगों ने तो ये सोचा था कि जुमे वाले दिन रोजा बनेगा, लेकिन ये रोजा बन गया जी, जुमेरात का रोजा बन गया। हाँ जी, तो बस ठीक है, बस जो कुछ भी है उसी के अंदर गुजारा करना है और रोजा रखना है, बस रोजा हो जाए, मिल सब मिलकर खाएंगे, जो भी है काफी है हमारे लिए। और जी लाइट की काफी ज्यादा कमी है, और हमारी ऐशा भी जो ना जाग रही है काफी देर से जाग रही है, काफी देर से पहले से उठी हुई है। हाँ ऐशा, ऐशा क्या हुआ? ऐशा भी रोजा रखनी है ना, ऐशा आपने रोजा रखना है। वो मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही है। तो जी ये लग गया है जी हमारी चटाई, क्योंकि सारे साथ में बैठ के खाएंगे ना, इसलिए चटाई बिछा दी है कि नीचे बैठ जाए कोई। तो जी माशाल्लाह जी खाना वगैरह सहरी का अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी पहली सहरी, तो अल्लाह ताला जो है ना इसमें बरकत डाले, बच्चे भी सारे जो है ना खुशी से एक दूसरे की खुशी में, यानी कि एक का इरादा था तो सभी सभी रोजा रख रहे हैं, बच्चे भी सारे, फातिमा भी, हदीका भी और महनूर भी।
और हमारी ऐशा भी, ऐशा भी रोजा रख रही है। ऐशा आप भी रोजा रख रही हो? और सहरी में जी हमारे पास आलू और मुर्गी का सालन यानी शोरबे वाला, और साथ में भाभी ने बनाई है जी क्या रोटियां, हाँ घी वाली रोटियां, यानी कि पराठे नहीं है, बस वो रोटियां पकाई हैं उनके ऊपर, यानी कि थोड़ा थोड़ा घी भी लगा दिया है। तो और तो कुछ था नहीं बाल जी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। पहला रोजा है, अचानक ही हो गया। तो जान दा मदीने वाला मदीने वाला सुना आमना दा लाल और लगियां निभा जान दा। असल में जी मैं आपको वो इस तरफ ना मस्जिद में नात पढ़ रहे हैं हाफिज साहब, और जो सुबह सहरी के टाइम पे जगाते हैं ना, तो अपने अपने मुल्क में जब कोई होता है तो अपने मुल्क में ये सहूलत होती है कि यहाँ पर जब सहरी का टाइम होता है, जब तक सहरी बंद नहीं होती उस वक़्त तक आपको हर मस्जिद के अंदर से नातों की आवाज़ आती है, नातें पढ़ रहे होते हैं। तो ये सब भी एक जो बाहर ममालिक में हैं तो वो इन चीज़ों को तरसते हैं, वहाँ पर यह सहूलत मैसर नहीं होती। अगर वो मुस्लिम ममालिक में ना हूँ तो ख़ास करके अगर आप लोग यूरोप में हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती है अपने ममालिक की। आवाज़ पता नहीं आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही, मैं विलेज का एक माहौल आपको कि विलेज में ऐसा होता है। तो माशाल्लाह जी मैंने तो खा लिया था पहले ही और बच्चों ने भी ख़त्म कर लिया, प्लेटें जो है ना साफ कर ली माशाल्लाह से। तो भाभी का भी शुक्रिया अदा कर दो अपनी भाभी का। थैंक यू भाभी, आपने हमें सहरी बना के दी है, आपके घर में ही हमारी ये सहरी होनी थी, तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मामी का तुम भी शुक्रिया अदा करो हदीका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इसमें शुक्रिया की क्या बात है, खैर है, रोजा रखा है, पहला रोजा आपने मेरे घर। सच्ची सच्ची बताओ खुश हो कि नहीं हो? सच्ची सच्ची बताओ खुश हो ना? कहीं ऐसा नहीं कहना कि मैंने जो है ना वो खाना बना के ना आप लोगों का थक गई थी मैं बाद में। हमारी भाभियां मैंने खाना बना के कोई एहसान थोड़ी किया है। चलें ठीक है जी। अच्छा जी वो भाभी ने खाना वाना भी बना लिया और भाभी ने हमारे लिए ना चाय वगैरह भी बना दी है, चाय भी तैयार है, बस अभी चाय भी पीते हैं इंशाल्लाह। हम जब भी आते हैं, ये तो सहरी की बात है, रोजा रख रहे हैं, नेक काम है, वैसे जब भी हम आते हैं हमारी भाभियाँ माशाल्लाह से दिल से ही खुश होती हैं और हमें बुलाती रहती हैं। ये जो मानूर बैठी है ये तो हमारा दिमाग ही खा जाती है, कहती नहीं आती हमारे घर, नहीं आती सबके घर जाती, हमारे घर नहीं आती, ज़्यादा इनके घर आती है, लेकिन ये कहती है हमारे घर आती नहीं है। बस जब ये हमसे ज्यादा नाराज हो जाए तो तब हमें जरूर आना पड़ता है। अभी नाराज तो नहीं हो? बोल दो मेरे। हाँ? नहीं हो? नहीं हो ना? नाराज होती हो? ये तो बता दो फूफो से। धमकियां देती है, नाराज होती है तो धमकियां देती है, उल्टा धमकियां देती है। आज मेरे गले पड़ गई, बोरिए इतने एक महीने के बाद आप आए हो, एक महीने के बाद आए हो, धमकियां दे रही थी बोरी, मैंने आपसे बात नहीं करनी, फिर मुश्किल से मैंने इसको मनाया है ना। झगड़ा क्यों कर रही थी फिर उस टाइम पे बताओ? अभी बोल तो सही ना, इसने बोलना नहीं है ऐसे ही, वो शर्मीली की बच्ची। तो माशाल्लाह से सहरी हमने कर लिया और चाय वगैरह भी पी ली है और नमाज का वुजू भी बना लिया है, बस अब अजानें होने वाली हैं, क्योंकि रोज़ अब हम सहरी बंद करते हैं ना, रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया है, अजानें होने वाली हैं, तो इसलिए अब नमाज दुआ मांगो मेरा बेटा रोज़े की जो होती है। وبصوم غد نويت من شهر رمضان चलें जी माशाल्लाह बच्चों ने जी नियत कर ली है रोजे की। मैंने खास अल्लाह ताला के लिए रमजान के रोजे की नियत की, तो नियत जी बच्चों ने कर ली है माशाल्लाह। अभी नमाज का टाइम हो गया, बस अजान 2 से 3 मिनट के बाद अजान पढ़ी जाएगी और अजान पढ़ने के बाद आपने नमाज पढ़नी है, ठीक है? नमाज शुरू करेंगे, फिर जैसी अजान पढ़ेगी मस्जिद में अजान पढ़ी जाएगी, अजान के बाद फिर आपने नमाज पढ़नी है और उसके बाद
सोना। अगर सोना है तो सो जाओगे। हाँ, जो सोएंगे सोएंगे। अगर सोना ठीक है, हाँ जो तिलावत करनी है तो करोगे, ना सोना है तो फिर सो जाओगे आप। चलो बच्चों, देख लिया ना, अभी मस्जिद में अलार्म भी बजा दिया है कि रोजे का टाइम, सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, खाना पीना बंद कर दें। समझ आ गई ना? हाँ जी। हम वैसे हम 5 मिनट पहले ही सहरी बंद कर दें। नहीं तो वो तो वैसे 1-2 मिनट का फर्क होता है, बस 1-2 मिनट का। उठ गई। कितनी देर सोई है? बस 5 मिनट सोई है, और कितनी देर सोई? मैंने नमाज शुरू की थी तो आयशा भी उठ गई। अकेले नहीं सोती ना जब तक मैं इसके साथ ना सो। हैं? अब हंस रही है। चले जी, मैंने भी माशाल्लाह नमाज पढ़ ली, हमने रोजा भी रख लिया, तो अल्लाह ताला हमारा भी रोजा कबूल करे और सबका, जो तमाम मुसलमान हैं सबका रोज़ा कबूल करो, सबको इस महीने की सआदत नसीब फरमाए अल्लाह ताला। तो बस ठीक है, वीडियो भी इधर ख़त्म कर देते हैं। तो बस ठीक है जी, ये वाली छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आज हम लोगों ने पहली सहरी कैसे की और हमारी और कहाँ की। तो इत्तेफाक़ से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ की जो रूटीन थी आप लोगों के साथ फजर की और जो सहरी की रूटीन थी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज की ये रूटीन और सहरी की रूटीन खास तौर पर ये? तो सब मिलकर जब ज़्यादा हूँ तो सब मिलकर, जब मेरी भतीजियाँ हम सब मिलकर बैठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी, नमाज वगैरह एक दो फ़र्द होते हैं, दो तीन फ़र्द होते हैं। पहले तो सब इकट्ठे हुआ करते थे, अब तो हर कोई अलहदा है, तो इसलिए बहुत खुशी होती है जब हम सब मिलकर साथ ऐसे मौके पर जब सहरी करते हैं, रोजे रखते हैं, ईद के मौके पर, तो बहुत ही खुशी होती है। तो बस ठीक है जी, ये वाली छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।